बहुत हो गया, अब रोना बंद करो। इट्स इनफ, नाउ स्टॉप क्राइंग। इट्स इनफ, नाउ स्टॉप क्राइंग। मैं परीक्षा पास नहीं कर सका, हालांकि मैंने कड़ी मेहनत की थी। आई कुड नॉट पास द एग्ज़ाम ऑल दो आई वर्कड हार्ड। आई कुड नॉट पास द एग्ज़ाम ऑल दो आई वर्कड हार्ड। अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। नाउ इट्स नो यूज़ टू गो देयर। नाउ इट्स नो यूज़ टू गो देयर। ऐसा लगता है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है। इट सीम्स दैट यू डोंट बिलीव मी। इट सीम्स दैट यू डोंट बिलीव मी। मैं कल रात सो नहीं सका, हालांकि मैं बहुत थका हुआ था। आई कुड नॉट स्लीप यस्टरडे ऑल दो आई वॉज वेरी टायर्ड। आई कुडेंट स्लीप यस्टरडे ऑल दो आई वॉज वेरी टायर्ड। लगभग सारे लोग खा चुके हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ ईटन। ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ ईटन। ना चाहते हुए भी मुझे उससे प्यार से बात करनी पड़ती है। अनविलिंगली आई हैव टू टॉक टू हर पोलाइटली। अनविलिंगली आई हैव टू टॉक टू हर पोलाइटली। जब देखो तुम बहाने बनाती रहती हो। व्हेनेवर इट इज़ सीन यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस। व्हेनेवर इट इज़ सीन यू कीप मेकिंग एक्सक्यूजेस। वह आपका पैसा वापस नहीं करेगा, लिखवा कर ले लो। ही विल नॉट रिटर्न योर मनी, टेक माई वर्ड फॉर इट। ही विल नॉट रिटर्न योर मनी, टेक माई वर्ड फॉर इट। लगभग सारे लोग आ चुके हैं। ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ अराइव्ड। ऑलमोस्ट एवरी वन हैज़ अराइव्ड। ना चाहते हुए भी मैं उसे मना नहीं कर सकता। आई कांट रिफ्यूज़ हर अनविलिंगली। आई कांट रिफ्यूज़ हर अनविलिंगली। शुरू शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था। इनिशियली आई ऑल्सो थिंक सो। इनिशियली आई ऑल्सो थिंक सो। वह इस्तीफा देने वाला है, मुझसे लिखवा कर ले लो। ही इज़ गोइंग टू रिज़ाइन, टेक माई वर्ड फॉर इट। ही इज़ गोइंग टू रिज़ाइन, टेक माई वर्ड फॉर इट। अपनी आवाज़ नीचे रखो, कीप योर वॉइस डाउन। अपनी आवाज़ नीचे रखो, कीप योर वॉइस डाउन। ऐसा लगता है आप मेरी बात समझे नहीं। It seems that you didn't get my point. It seems that you didn't get my point. अपनी सलाह अपने पास रखो। Keep your advice up to you. Keep your advice up to you. बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। One should learn making excuses from you. One should learn making excuses from you. बहुत हो गया, अब हंसना बंद करो। इट्स इनफ, नाउ स्टॉप लाफिंग। इट्स इनफ, नाउ स्टॉप लाफिंग। मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड। आई हैव टू एडमिट योर इंग्लिश इज़ सो गुड। माफ़ करें, मुझे आने में थोड़ा समय लग गया। सॉरी आई एम लेट। सॉरी आई एम लेट। वो कतार में खड़ा था और अचानक कीचड़ में गिर गया। ही वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू एंड सडनली ही फेल इन द मड। ही वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू एंड सडनली ही फेल इन द मड। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। नोबडी लिसेंड टू मी। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। नोबडी लिसेंड टू मी। मैं यहाँ आते आते खो गया था। आई गॉट लॉस्ट वाइल कमिंग हियर। आई गॉट लॉस्ट वाइल कमिंग हियर। उसे देखते ही मुझे ख्याल आया कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। द मोमेंट आई सॉ हिम आई थॉट दैट आई हैड ऑलरेडी सीन हिम समवेयर। द मोमेंट आई सॉ हिम आई थॉट दैट आई हैड ऑलरेडी सीन हिम समवेयर। आप एक बार मुझे बता सकते थे।
You could have informed me once. You could have informed me once. उसे क्या कहना है? What is he to say? उसे क्या कहना है? What is he to say? क्या आपको बाइक चलानी नहीं आती? Don't you know how to ride a bike? Don't you know how to ride a bike? हमारे पास अहंकार नहीं होना चाहिए. We should not have an ego. We should not have an ego. तुम वहाँ कर क्या रहे थे? What were you doing there? तुम वहाँ कर क्या रहे थे? What were you doing there? क्या तुम्हें कम सुनाई देता है? Are you hard of hearing? Are you hard of hearing? तुम्हारी तनख्वाह कब मिलती है? When do you receive the salary? तुम्हारी तनख्वाह कब मिलती है? When do you receive the salary? मैं उससे पहले कभी नहीं मिला हूँ. I have never met him before. I have never met him before. मैं अपने छोटे भाई को शर्ट पहना रहा हूँ. I am making my younger brother wear the shirt. I am making my younger brother wear the shirt. तुम्हें उससे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था. You should not have behaved like this with him. You should not have behaved like this with him. कितनी पुरानी बात लगती है. It seems to be a long way back. It seems to be a long way back. मेहनत का फल मीठा होता है. Hard work pays. मेहनत का फल मीठा होता है. Hard work pays. मुझे बैठने के लिए कुर्सी दो. Give me a chair to sit on. Give me a chair to sit on. आपका स्वभाव और व्यवहार काफ़ी हद तक आपकी परवरिश पर निर्भर करता है. Your nature and behavior largely depend on your upbringing. Your nature and behavior largely depend on your upbringing. तुमने किताब उल्टी पकड़ रखी है. You have held the book upside down. You have held the book upside down. तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? Why were you not picking up the phone? तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? Why were you not picking up the phone? जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा. When I beat him, he began to abuse me. When I beat him, he began to abuse me. मैं बहुत पढ़ता था ताकि अच्छे नंबर ला पाऊँ. I used to study a lot so as to score good marks. I used to study a lot so as to score good marks. तुमने फालतू में उससे पंगा लिया. You messed with him for no reason. You messed with him for no reason. क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूं? Shall I call you after some time? Shall I call you after some time? मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता. My conscience doesn't permit. My conscience doesn't permit. तुमने मुझे सोचने तक नहीं दिया. You don't even let me think. You don't even let me think. हम दाईं ओर खड़े थे. We were standing to the right. हम दाईं ओर खड़े थे. We were standing to the right. जब मैच खत्म हुआ तब सभी लोग स्टेडियम से बाहर चले गए. When the match finished, all the people went out of the stadium. When the match finished, all the people went out of the stadium. समय के साथ चलना बड़ा मुश्किल है. It is very difficult to pace with the time. It is very difficult to pace with the time. तुम्हारे सोने से पहले मैं घर आ चुका हूँगा. I will have come home before you sleep.
आई विल हैव कम होम बिफोर यू स्लीप. मैं तुम्हारे बारे में हर एक बात जानता हूँ. आई नो एवरी इंस एंड आउट्स अबाउट यू. आई नो एवरी इंस एंड आउट्स अबाउट यू. वह अपनी बहन से बहुत जलती है. शी इज़ जेलस ऑफ हर सिस्टर. शी इज़ जेलस ऑफ हर सिस्टर. आपको अंदाज़ा भी नहीं है यह सुनकर कितनी राहत मिली है. यू हैव नो आइडिया वॉट अ रिलीफ इट इज़ टू हियर दैट. यू हैव नो आइडिया वॉट अ रिलीफ इट इज़ टू हियर दैट. अंत भला तो सब भला. ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. खाली दिमाग शैतान की दुकान है. एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप. एन आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप. चिंता करने को एक चीज़ कम हुई. दैट्स वन लेस थिंग टू वरी अबाउट. दैट्स वन लेस थिंग टू वरी अबाउट. क्या तकदीर का खेल है. वॉट अ स्टोक ऑफ लक. क्या तकदीर का खेल है. वॉट अ स्टोक ऑफ लक. उसने अपने पाप का प्रायश्चित किया. ही हैज़ अटोन्ड फॉर हिज सिन. ही हैज़ अटोन्ड फॉर हिज सिन. गुस्सा करना कमज़ोरी की निशानी है. टू गेट एंग्री इज़ टू शो वीकनेस. टू गेट एंग्री इज़ टू शो वीकनेस. तुम्हारे बाल झड़ चुके हैं. यू हैड सफर्ड अ हेयर फॉल. यू हैड सफर्ड अ हेयर फॉल. मैंने जो भी किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ. मुझे माफ़ कर दो. आई रिग्रेट वॉट आई डिड. प्लीज़ फॉरगिव मी. आई रिग्रेट वॉट आई डिड. प्लीज़ फॉरगिव मी. इतना रूड होने के लिए मुझे माफ़ कर देना. पार्डन मी फॉर बीइंग सो रूड. पार्डन मी फॉर बीइंग सो रूड. फ़ोन ना करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर नॉट कॉलिंग अर्लियर. आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर नॉट कॉलिंग अर्लियर. मैंने जो भी कहा उसके लिए मैं कसूरवार हूँ. आशा करता हूँ आप उसे दिल से नहीं लगाएंगे. आई फील एक्सट्रीमली गिल्टी अबाउट वॉट आई सेड. होप यू डिड नॉट माइंड इट. आई फील एक्सट्रीमली गिल्टी अबाउट वॉट आई सेड. होप यू डिड नॉट माइंड इट. यह बहुत बुरा हुआ कि आपको कंपनी छोड़नी पड़ेगी. इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू क्विट द कंपनी. इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू क्विट द कंपनी. वे समझदार लड़कियां हैं. दे आर सेंसिबल गर्ल्स. दे आर सेंसिबल गर्ल्स. इन दस्तावेज़ों को अलमारी में रख दो. कीप दिस डॉक्यूमेंट्स इन द कबर्ड. कीप दिस डॉक्यूमेंट्स इन द कबर्ड. मुझे सिखाओ कि तुम इसे कैसे करते हो. टीच मी हाउ यू डू इट. टीच मी हाउ यू डू इट. कैसे कहूँ कि मेरा फ़ोन खो गया है. हाउ डू आई से दैट आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल. हाउ डू आई से दैट आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल. क्या कोई मेरी मदद कर सकता है. कैन समबडी हेल्प मी. कैन समबडी हेल्प मी. आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हैं. वाई आरेंट यू कमिंग विथ अस. वाई आरेंट यू कमिंग विथ अस. मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे साथ कौन आ रहा है. आई वॉन्ट टू नो हु इज़ कमिंग विथ अस. आई वॉन्ट टू नो हु इज़ कमिंग विथ अस. जब देखो वह गेम खेलता रहता है. Whenever it is seen, he keeps playing games. Whenever it is seen, he keeps playing games. ये आपकी सोच से ज़्यादा मुश्किल है. It's more difficult than you think. It's more difficult than you think. जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं. In life, there are ups and downs. In life, there are ups and downs.
मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन लेट हो गई है. इट सीम्स टू मी दैट द ट्रेन इज़ लेट. इट सीम्स टू मी दैट द ट्रेन इज़ लेट. उसकी बात मत सुनो, वह बकवास कर रहा है. डोंट लिसन टू हिम, ही इज़ टॉकिंग नॉनसेंस. डोंट लिसन टू हिम, ही इज़ टॉकिंग नॉनसेंस. आपको कल आने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू कम टुमारो. आपको कल आने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू कम टुमारो. क्या कोई मेरे लिए एक टैक्सी बुक कर सकता है? कैन समबडी बुक अ कैब फॉर मी. कैन समबडी बुक अ कैब फॉर मी. हालांकि हम जल्दी निकल गए थे, हमें फिर भी देर हो गई. Although we left early, we still got late. Although we left early, we still got late. उनके दिल में बच्चों के लिए खास जगह है. He has a soft corner for kids. He has a soft corner for kids. ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश मत करो. Don't try too hard. Don't try too hard. मैं आपके पास वापस आऊँगा. I will revert to you. I will revert to you. क्या कोई दरवाज़ा खोल सकता है? Can somebody open the door? Can somebody open the door? क्या इससे तुम्हें खुशी मिलेगी? Will this make you happy? Will this make you happy? उसे कॉमेडी मूवीज़ देखना पसंद है. शी लाइक्स वॉचिंग कॉमेडी मूवीज़. शी लाइक्स वॉचिंग कॉमेडी मूवीज़. ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है. इट्स लाइक हिटिंग एन एक्स ऑन योर ओन फुट. इट्स लाइक हिटिंग एन एक्स ऑन योर ओन फुट. क्या आप ये एक और बार कर सकते हैं? कैन यू रिपीट इट वंस मोर. Can you repeat it once more? अगर उन्होंने हमारा ऑफ़र ठुकरा दिया तो क्या होगा? What if they refuse our offer? What if they refuse our offer? अब मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता. I can't help you much now. I can't help you much now. अगर मैं तुम्हें वक्त पर पैसे ना लौटाऊँ तो क्या होगा? What if I don't pay you on time? What if I don't pay you on time? मैं हमेशा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ. I always help needy people. I always help needy people. अगर हमें confirmed seat ना मिली तो क्या होगा? What if we don't get confirmed seats? What If we don't get confirmed seats. मैं मदद करना चाहता था पर कर नहीं पाया. I wanted to help but I couldn't. I wanted to help but I couldn't. आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये सच है. You won't believe but it's true. You won't believe but it's true. मुझे नहीं पता ये किसने किया. I don't know. Who did it? I don't know. Who did it? तुम्हें पहले मेरी बात सुननी होगी. You will have to listen to me first. You will have to listen to me first. तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो. You are doing great. Keep it up. You are doing great. Keep it up. हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है. We don't have much time. We don't have much time. तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं. No one can beat you. तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं. No one can beat you. शांति से मेरी बात सुनो. Listen to me calmly. शांति से मेरी बात सुनो. Listen to me calmly. तुमने कर दिखाया. You nailed it. तुमने कर दिखाया. You nailed it.
मैं इसके लिए तैयार हूँ और तुम? आई एम रेडी फॉर इट एंड यू? आई एम रेडी फॉर इट एंड यू? जवाब देने से पहले मेरी बात सुनो. लिसन टू मी बिफोर आंसरिंग. लिसन टू मी बिफोर आंसरिंग. यकीन मानो मेरा वो मतलब नहीं था. बिलीव मी दैट्स नॉट वॉट आई मेंट. बिलीव मी दैट्स नॉट वॉट आई मेंट. मानो या ना मानो पर यही सच है. बिलीव इट और नॉट बट इट्स ट्रू. बिलीव इट और नॉट बट इट्स ट्रू. इस मामले में उसकी बात मत सुनो. डोंट लिसन टू हिम इन दिस मैटर. डोंट लिसन टू हिम इन दिस मैटर. मैं ये नहीं कर सकता. शायद वे कर सकते हैं. आई कान डू इट. मे बी दे कैन. आई कान डू इट. मे बी दे कैन. तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है? वॉट इज़ ट्रबलिंग यू? वॉट इज़ ट्रबलिंग यू? मुझे सच बताओ. झूठ से कोई फ़ायदा नहीं होगा. टेल मी द ट्रूथ. लाइज वोंट हेल्प. टेल मी द ट्रूथ. लाइज वोंट हेल्प. कुछ पता है ये किसने किया? एनी आइडिया हु डिड इट? एनी आइडिया हु डिड इट? काश मैंने तुम्हें कभी ऐसा ना कहा होता. आई विश आई हैड नेवर सेड दैट टू यू. आई विश आई हैड नेवर सेड दैट टू यू. मुझे पिछले 2 महीनों से पैसा नहीं दिया गया है. आई हैवन्ट बीन पेड सिंस लास्ट 2 months. आई हैवन्ट बीन पेड सिंस लास्ट 2 months. तुम्हें ये करने से कौन रोक रहा है? हु इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दिस? हु इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दिस? मैं 3 हफ्ते तक और इंतज़ार करूँगा. आई एम गोइंग टू वेट फॉर 3 more weeks. आई एम गोइंग टू वेट फॉर 3 more weeks. क्या तुम्हें पता है ये किसने किया? डू यू नो हु डिड इट? डू यू नो हु डिड इट? मैं बस 2 मिनट तक बात करूँगा. आई विल टॉक फॉर ओनली 2 minutes. आई विल टॉक फॉर ओनली 2 minutes. क्या उसने तुम्हें ये करने से रोका? डिड ही स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग इट? डिड ही स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग इट? वो सब बेहद जल्दबाजी में निकल गए. दे ऑल लेफ्ट इन अ टियरिंग हरी. दे ऑल लेफ्ट इन अ टियरिंग हरी. वो सुबह से खेल रहा है. ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता तो मुझे माफ़ करो. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट सो एक्सक्यूज़ मी. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट सो एक्सक्यूज़ मी. मुझे पक्का तो नहीं पता कि ये कब किया गया था लेकिन मुझे हल्का सा अंदाज़ा ज़रूर है. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हेन इट वॉज डन बट आई हैव अ टेंटेटिव आइडिया. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हेन इट वॉज डन बट आई हैव अ टेंटेटिव आइडिया. हम सारे नियमों का पालन कर रहे हैं. वी हैव बीन फॉलोइंग ऑल द रूल्स. वी हैव बीन फॉलोइंग ऑल द रूल्स. मैंने उससे अभी तक नहीं पूछा है तो मुझे नहीं पता. आई एम येट टू आस्क हिम सो आई डोंट नो. आई एम येट टू आस्क हिम सो आई डोंट नो. मुझे नहीं पता कि तुम्हें कितने पैसे दिए गए थे. आई डोंट नो हाउ मच यू वर पेड. आई डोंट नो हाउ मच यू वर पेड. तुम्हारे पास ये करने का पूरा अधिकार है. यू हैव एवरी राइट टू डू इट. यू हैव एवरी राइट टू डू इट. मुझे ज़रा भी नहीं अंदाज़ा कि कब और कहाँ लेकिन हम पहले मिले ज़रूर हैं. आई हैव नो आइडिया व्हेन एंड वेयर बट वी हैव सर्टेनली मेट बिफोर. आई हैव नो आइडिया व्हेन एंड वेयर बट वी हैव सर्टेनली मेट बिफोर. मेरी इस मामले में ज़्यादा नहीं चलती.
तो मैं आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाऊँगा। आई डोंट हैव मच से इन दिस मैटर, सो आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू एट ऑल। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं तुम्हें ये किसने बताया, लेकिन यकीनन वो मैं नहीं था। आई हैव नो आइडिया हु टोल्ड इट टू यू, बट इट वॉज डेफिनेटली नॉट मी। आई हैव नो आइडिया हु टोल्ड इट टू यू, बट इट वॉज डेफिनेटली नॉट मी। मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बताऊँगा, बशर्ते तुम उस बात को बस अपने तक ही रखना। आई विल टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, प्रोवाइडेड यू कीप इट टू योर सेल्फ ओनली। आई विल टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, प्रोवाइडेड यू कीप इट टू योर सेल्फ ओनली। मैं उनके झूठ से निराश हूँ। आई एम डिसअपॉइंटेड बाई देयर लाइज। आई एम डिसअपॉइंटेड बाई देयर लाइज। मुझे आज ही कुछ पैसों की ज़रूरत है। आई नीड सम मनी टूडे इट्स सेल्फ। आई नीड सम मनी टूडे इट्स सेल्फ। धोनी के बिना भारतीय टीम खाली खाली लगता है। इंडियन टीम फील्स एम्प्टी विदाउट धोनी। इंडियन टीम फील्स एम्प्टी विदाउट धोनी। ये गाड़ी आसानी से चोरी हो जाएगी। दिस कार वुड बी स्टोलन ईजीली। दिस कार वुड बी स्टोलन ईजीली। मैं नौकरी ना मिलने को लेकर निराश था। आई वॉज डिसअपॉइंटेड अबाउट नॉट गेटिंग द जॉब। आई वॉज डिसअपॉइंटेड अबाउट नॉट गेटिंग द जॉब। वे कैसे बिना बताए चले गए। हाउ डिड दे लीव विदाउट इन्फॉर्मिंग। हाउ डिड दे लीव विदाउट इन्फॉर्मिंग। माँ के बिना घर खाली खाली लगता है। Without mom, the home seems empty. Without mom, the home seems empty. मैं पहले ही उससे कई बार पूछ चुका हूँ। I have already asked him multiple times. I have already asked him multiple times. आधा सच बोलना झूठ बोलने के बराबर है। Telling half truth amounts to lying. Telling half truth amounts to lying. उससे बात करना एक बुरे सपने जैसा है। Talking to him is like a nightmare. उससे बात करना एक बुरे सपने जैसा है। Talking to him is like a nightmare. मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इस शर्त पर कि तुम मेरा कहा मानो। I can help you provided you obey me. I can help you provided you obey me. मेरा पढ़ना ना पढ़ने के बराबर है। My studying amounts to not studying. मेरा पढ़ना ना पढ़ने के बराबर है। My studying amounts to not studying. धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि वह सुन ले। Speak slowly lest he should hear. Speak slowly lest he should hear. क्या तुमने उससे कुछ कहा? Did you say anything to her? क्या तुमने उससे कुछ कहा? Did you say anything to her? वे मुझसे खुश हैं। I am in their good books. I am in their good books. ये या तो सच है या झूठ। It's either true or false. ये या तो सच है या झूठ। It's either true or false. उनका नया बिजनेस काफ़ी सफल है। Their new business is a great success. उनका नया बिजनेस काफ़ी सफल है। Their new business is a great success. क्या आप हमें अपनी कहानी बताएंगे? Will you tell your story to us? Will you tell your story to us? हम या तो इसे ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। We can either take it or leave it. We can either take it or leave it. फिलहाल हमारी बातचीत बंद है। We are not on talking terms currently. We are not on talking terms currently. ये ना तो उसने किया है ना मैंने।
दिस इज नाइदर डन बाई मी नॉर हिम. दिस इज नाइदर डन बाई मी नॉर हिम. मैं आपको सच बताने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ. मैं आपको सच बताने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ. मुझे उसके रुतबे की कोई परवाह नहीं है. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज रेप्यूटेशन. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज रेप्यूटेशन.